अब इसमें देखिए, पिगमेंट को अगर पूरा ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो तीन तरह के पिगमेंट बेसिकली होते हैं पूरे। एक क्लोरोफिल है, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल में बहुत सारे आपके होते हैं, जान ही रहे हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो गया, बैक्टीरियो वर्डिन हो गया, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैरेटोनाइड होता है, नहीं, कैरो टी नोइड, हाँ और सर, कैरेटोनाइड मतलब लिपिड होता है, बेसिकली लिपिड होता है, ठीक। और अगर देखा जाए तो कैरेटोनाइड में दो तरह के पिगमेंट होते हैं, एक कैरोटीन होता है, क्या होता है, कैरो टीन, जिसमें C40H56 हो, ऑरेंज ऑरेंज रेड कलर होता है बेसिकली। और दूसरा जेंथोफिल होता है, जेंथो फिल होता है, जो एलोइस ब्राउन कलर होता है, एलोइस कलर कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें फ्यूकोजेंथिन होता है, ल्यूटीन होता है वगैरह। तीसरा पिगमेंट अगर देखा जाए, फाइकोवेलिन होता है, फाइको फाइकोवेलिन, ठीक, फाइकोवेलिन, जिसमें आपको फाइकोसाइनिन होगा, दो कलर होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन पर्पल कलर का होता है, फाइकोएरिथ्रिन क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। तो कम से कम इतना आपको जानना है, ठीक है। और उसके बाद क्लोरोफिल ए एक तरह से रिएक्शन सेंटर होता है, और अदर पिगमेंट जो है एसेसरी पिगमेंट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अब चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे, यहाँ से ए, यानी कि अगर देखा जाए इस चैप्टर में, विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रेना एंड स्ट्रोमा, लैमली एंड मैट्रिक्स स्ट्रोमा वगैरह पाया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो लीफ होता है, लीफ है, उसके बाद मेसोफिल, मेसोफिल सेल है, ठीक है, मेसोफिल के बाद क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें होती हैं, एक थैलेकॉइड होता है, थैलेकॉइड, दूसरा स्ट्रोमा होता है ना। थैलोकॉइड और उसके अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना बोल देते हैं बहुत सारे, यानी कि लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ग्राना में होता है, और लाइट इंडिपेंडेंट कहाँ पे होता है, जिसमें केल्विन साइकिल बोलते हैं, डार्क रिएशन स्ट्रोमा होता है। जैसे यहाँ पे फिगर में हम लोग क्लोरोफिल का फिगर देखते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये स्ट्रोमल और लैमली है, ये देखिए एक ग्रेना है और ये पूरा थैलोकॉइड कहलाएगा, ठीक है, ठीक। ये हाँ सर, यहाँ पे क्या होगा, लाइट रिएक्शन होता है, मतलब डैमेज और रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, जिसमें केल्विन साइकिल होता है, और ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। और इसमें देखा जाए बहुत सारे राइबोसोम हो गए, और बेसिकली राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है, और स्टार्च ग्रेन्यूल है ये, और लिपिड ड्रॉपलेट है, ठीक है, मतलब कि जो इसमें रेजिडुअल बॉडी कह सकते हैं पाया जाता है, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर देखा जाए लाइट स्पेक्ट्रम में पार कितना होता है बता सकते हैं, फोटो सिंथेटिक एक्शन रिएक्शन, तो 400 नैनोमीटर से कितना होता है, पूरा 700 नैनोमीटर ये हर साल आता है, आता ना पार, ठीक है। हाँ और हाँ ये आपको, और बाकी आप तो जान ही रहे हैं, यहाँ पे फिजिक्स में पढ़े होंगे कि एनर्जी एच न्यू होता है, और एनर्जी इक्वल टू हाँ ये तो एच पता है। अपान लैम्डा होता है, ई अपान हाँ लैम्डा, एच सी वाई लैम्डा। हाँ, तो ये तो आप जान ही रहे हैं। लाइट एब्जॉर्ब एक्शन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो लाइट क्वालिटी मीन्स वेवलेंथ, यहाँ पे जो लाइट क्वालिटी क्वालिटी की बात करेगा उसके माने क्या होगा, आपका वेवलेंथ हो, एवरी पिगमेंट एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट,
मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्बेशन टेक्स प्लेस बाय क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, किसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, तो 500 to 700 नैनोमीटर। द एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट इज डिप्रिशिएटेड बाय ग्राफ, जिससे हम लोग क्या कहते हैं एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम। ये क्या है आप देख सकते हैं, ये क्या है एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम है एक, ठीक है। द एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम आल्सो प्रिफर एज एक्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें एक्शन स्पेक्ट्रम बिकॉज ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें 500 to 680 नैनोमीटर होता है। एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्कवर किसने किया था, पूरा इंगलमैन ने, अभी ऊपर हमने दिखाया कहाँ इंगलमैन किस, हाँ किसके, ये बहुत फेमस है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। इंगलमैन ने डिस्कवर किया था, और बेसिकली किस पे, एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रीन लेग्राम एलगा, जो क्लेडोफोरा है। स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किस पे किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर पे, अगर ये स्पेक्ट्रोमीटर पे इसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, स्पेक्ट्रो मीटर पे। और ब्लू एंड रेड लाइट इज मोस्टली प्रिफर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पे प्रिफरेबल वेवलेंथ है, ये आपके ग्राफ, यहाँ से ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए इसमें यही सारे चीज, लुकिंग एट प्लांट हैव यूर वंडर व्हाई दे वेयर सो मेनी शेड ऑफ ग्रीन इन देयर लीफ, इवन सेम प्लांट वी कैन लुक फॉर आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। ए क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट सो दैट द कलर दैट वी सीन इन लीफ इन ड्यू टू सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू फोर पिगमेंट, जिसमें क्लोरोफिल ए, जिसमें ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम, ठीक है, क्लोरोफिल भी जिसमें येलो ग्रीन, जेंथोफिल होगा एंड कैरोटोनाइड होगा, जिसमें येलो टू येलो ऑरेंज। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल वेरियस पिगमेंट प्ले इन फोटोसिंथेसिस, जिसमें पिगमेंट सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। लेट अस स्टडी द ग्राफ शो क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट डिफरेंट वेवलेंथ, जिसमें आप कोर्स व्यू है फैमिलियर विद द फैम वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम वी ग्रो, और आप जानते हैं 400 नैनोमीटर से कितना होता है 700 नैनोमीटर। तो इसमें देखा जाए कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर लाइट एट विच क्लोरोफिल ए सो मैक्सिमम एब्जॉर्ब, डज इट सो अनदर एब्जॉर्बेशन पीक एंड अदर वेवलेंथ। नाउ लुक एट फिगर सो द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट, ठीक है। कैन यू सी द वेवलेंथ विच मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल है, जिसमें देखा है बहुत पूछा जाता है ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है, क्लोरोफिल ए लाइट रेड फोटोसिंथेसिस, वी कैन कंक्लूड द क्लोरोफिल ए इज चीफ पिगमेंट एसोसिएट विथ फोटोसिंथेसिस। बट फिगर कैन यू सी, जैसे आप देख सकते हैं क्लोरोफिल बी के बारे में, क्लोरोफिल ए के बारे में अलग अलग स्पेक्ट्रम पे होता है, ठीक है। दीज ग्राफ टूगेदर शो दैट वो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, सम फोटोसिंथेसिस दैट टेक्स प्लेस अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, इसमें क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट अदर थैलोकॉइड लाइक क्लोरोफिल बी, जिसमें जेंथोफिल होगा, कैरोटोनाइड होगा, एसेसरी पिगमेंट कहलाता है। अभी हमने बोला यहाँ पे कुल मिला के आपको दिमाग में रखना है क्लोरोफिल ए क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कैसा रोल प्ले करता है बताइए, क्लोरोफिल ए अभी हमने ऊपर बताया था ना, क्लोरोफिल ए क्या करता है काम, क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल ए मेन एक्शन स्पेक्ट्रम का काम करता है, बाकी जितने पिगमेंट है वो सब क्या काम करते हैं एसेसरी पिगमेंट का, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट, बाकी मतलब मतलब क्लोरोफिल ए, हाँ क्लोरोफिल ए देखते होंगे आपके हर मतलब उसमें पाया जाएगा, कोई भी जैसे ग्रीन एलगा, ब्लू ग्रीन एलगा, या मतलब आपका रेड एलगा हो गया, ब्राउन एलगा, सब में क्लोरोफिल ए तो होगा ना, उसके अलावा बी सी डी इस तरह के अलग अलग हाँ क्लोरोफिल रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, वही चीज यहाँ पे लिख रहा है,
ये क्लोरोफिल इज मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल ट्रैपिंग लाइट थैलोकॉइड लाइक क्लोरोफिल बी जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड व्हिच एज एक्सेसरी पिगमेंट। मतलब क्लोरोफिल के अलावा बाकी जितने भी पिगमेंट होंगे, क्लोरोफिल बी हो गया, जेंथोफिल हो गया, ये सब क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट होगा। यानी कि सेंट्रल लाइट एक्शन जो होता है वो किस पे होता है, क्लोरोफिल ए पे होता है। कहने का मतलब है, ठीक, अभी आपको समझ में आ जाएगा, नीचे यस अभी बनाएंगे फिगर। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर इधर से अभी तो आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे एक रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। क्वांटम इल्ड किसे होता है, क्वांटम इल्ड भी अभी हम इमर्सन इफेक्ट अभी हमने पढ़ा था ऊपर ने, इमर्सन ने एक इफेक्ट बनाया था, इमर्सन इफेक्ट, जिसे रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। मीन्स जैसे कि इमर्सन इफेक्ट में देखा जाए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और अगर हम वेवलेंथ में ग्राफ खींचे, 400, 500 और 600 और 680, 680 के ऊपर जैसे जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, 680 के ऊपर ऐसे गिर जाता है, तो इसे रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्योंकि 680 का वेवलेंथ क्या होता है, रेड होता है, इसलिए रेड ड्रॉप मतलब बोला जाता है। यानी कि सडन डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर 680 क्या नैनोमीटर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ सर, हाँ, तो इमर्सन इफेक्ट मतलब आपको थोड़ा सा जानना है, तो आगे चलते हैं। इसमें इसमें देखा जाए तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरा चैप्टर अगर फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में होता है, एक डे में वर्क होता है, एक नाइट में वर्क होता है। डे वर्क क्या होता है, जिसे हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि व्हाट इज द लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन आर द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्बेशन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी एनएडीपीजी। क्या प्रोड्यूस होता है, केमिकल इंटरमीडिएट होता है, इसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है, एनएडीपी, ये सारा एटीपी एनएडीपी क्या होता है, जब नाइट में वर्क होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, तो इसी से एनर्जी लिया जाता है। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस, इसमें पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इंटू टू डिस्क्रिएट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग ELHC बोलते हैं, ठीक है, विथ इन द फोटोसिंथेसिस फर्स्ट। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस फर्स्ट यानी कि फोटोसिंथेसिस सेकंड, ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है और फोटो सिस्टम सेकंड, ये अगर देखा जाए तो वर्किंग के बेस पे पहले फोटो सिस्टम क्या होता है, सेकंड यूज होता है, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट यूज होता है। ये डिस्कवरी के बेस पे दिया गया है नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेम जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड डिस्कवरी के बेस पे दिया गया था, वर्किंग के बेस पे नहीं दिया गया था, क्योंकि वर्किंग के बेस पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट का आ जाएगा, ठीक है। अभी जो हमने बात किया कि यहाँ पे जो क्लोरोफिले है, जैसे मान लीजिए क्लोरोफिले है, ठीक, ये क्लोरोफिले, अब ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए के किनारे सारे बहुत सारे पिगमेंट घेरे हुए हैं, क्या है, जैसे अलग कलर से हम बना दें, तो इसमें क्लोरोफिल ए था और बाकी में क्लोरोफिल कैरेटोनाइड बी वगैरह कोई भी पिगमेंट रहेगा, तो ये दोनों को मिला के हम लोग एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते एंटीना हैं। कॉम्प्लेक्स। हाँ, और यहाँ पे क्लोरोफिल ए वाले पार्ट को, इतने वाले बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोला जाता है, रिएक्शन सेंटर, और जो क्लोरोफिल ए है, और ये जो हम किनारे किनारे बन रहे हैं, ये एसेसरी पिगमेंट हो गया, यानी कि क्लोरोफिल ए के अलावा जो भी पिगमेंट होगा वो एसेसरी पिगमेंट में चला जाएगा, और ये दोनों को हम मिला के ये पूरा एंटीना कह सकते हैं, या रिएक्शन सेंटर और क्लोरोफिल एसेसरी पिगमेंट मिला के हम लोग क्वांटासोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटासोम, क्वांटासोम, यानी कि क्वांटासोम क्या है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्वांटासोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वही चीज देखिए हमें यहाँ पे पढ़ना है, यानी कि सेवरल प्रोटोन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस जिसमें पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल, जिसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा जिसे हम लोग LHC बोलते हैं, विथ इन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, दीज आर नेम्ड इन द सिक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी एंड नॉट इन सिक्वेंस ऑफ इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। क्योंकि मतलब ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड पहले वर्किंग स्टार्ट करता है जहां से फोटोलिसिस होता है, यानी कि अभी आगे क्लियर हो जाएगा, हम डिफरेंट बता देंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड का, तब उसमें क्लियर होगा। द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ 100 पिगमेंट इंक्लूडिंग बाउंड प्रोटीन, जिसमें ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। देखिए ये बोला एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल फॉर्मिंग लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीना बोले थे, क्या बोलते हैं, एंटीना। ठीक, दीज पिगमेंट हैव टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर इफिशियंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसमें सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फ्रॉम रिएक्शन सेंटर, द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम, ठीक है, एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट इन द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एंड एब्जॉर्बेशन पीक जिसमें 700 नैनोमीटर होता है, जिसे फोटो सिस्टम 700 और फोटो सिस्टम सेकेंड किस पे होता है, 680। तो ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक, तो अब देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा यही फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड कहाँ पे स्टार्ट होता है। अब देखा जाए तो अगर क्वेश्चन के रूप में जो हम लोग थैलोकॉइड के ल्यूमनी है, यानी कि थैलोकॉइड के अंदर वाले पार्ट, यहीं से फोटोलिसिस स्टार्ट होगा। क्या होगा, फोटोलिसिस, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं उसी से, यानी कि फोटो और फोटोलिसिस कहाँ होगा, यानी कि हम लोग अभी यहाँ पे देखे हैं, पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं तब चलते हैं आगे। जो ये ग्रेना के बीच में ये बहुत सारे पैसे की तरह रखा हुआ है, ये थैलोकॉइड है, और थैलोकॉइड के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड लैम मतलब कि ल्यूमिन बोलते हैं बीच वाले को। और फोटो सिस्टम सेकंड कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है, फोटो सिस्टम सेकंड फोटोलिसिस। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट देखा जाए तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलोकॉइड होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलोकॉइड होता है, और कहाँ तक जाता है, स्ट्रोमल और लैमिनी तक जाता है, फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड तो यहाँ पे होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट स्ट्रोमा लैमली पे, फोटो सिस्टम और फर्स्ट, और ग्रेना में क्या होता है, फोटो सिस्टम, अगर कहा जाए थैलोकॉइड में कहाँ पे होता है, फोटो सिस्टम सेकंड होता है। ठीक है, अभी हम इसके अब इसी के बेस पे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए वही फोटो सिस्टम सेकंड से स्टार्ट होता है, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनो मीटर वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस, दीज इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पासेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पासिस होगा। जैसे सिस्टम कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल इन टर्म ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज अप एज दे पासिस थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट पासिस ऑन द पिगमेंट ऑफ द फोटो सिस्टम फर्स्ट, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम फर्स्ट आर ऑल्सो एक्साइटेड वेन दे रिसीव लाइट फोटो क्लोर वेवलेंथ 700 नैनोमीटर ट्रांसपोर्ट टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल, दीज इलेक्ट्रॉन देन आर मूव डाउनहिल अगेन दिस टाइप डाउनहिल, तो मॉलिक्यूल एनर्जी रिच जिसमें NADPH एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस NADP और NADPH, दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड अपहिल टू एक्सेप्टर डाउनहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें टू फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्साइटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू अनदर एक्सेप्टर जिसमें फाइनली डाउनहिल
एनएडीपी रिड्यूसिंग जिसमें एनएडीपी इज कॉल्ड जेड स्कीम, और करेक्टरिस्टिक शेप जिसमें देखिए ये जेड के लाइक का मतलब ये हो जाता है, जैसे ये जेड स्कीम है और इसमें दो पार्ट है, यहाँ पे लाइट पड़ता है, तो इसे इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। यहीं से पूरा सारा फोटोलिस्ट। कुछ, हाँ सारा कुछ प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, फोटोलिसिस से, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है फोटोलिसिस में। और फोटोलिसिस में देखा जाए तो यहाँ पे जब फोटोलिसिस होगा, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, और यहाँ पे एडीपी और पीआई यूज करके एटीपी प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लिया जाता है, यानी कि 700 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ वाला जो फोटो सिस्टम फर्स्ट कहलाता है, ये फिर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन और एनएडीपी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये जेड स्कीम है, और यहीं से देखा जाए तो जेड स्कीम में तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होगा, फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर, और कह सकते हैं ल्यूमिन ऑफ द मतलब थैलोकॉइड में होता है बेसिकली, यानी कि अभी फिगर आपको दिखेगा अंदर, द इलेक्ट्रॉन दैट वेयर मूव फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड मस्ट बी रिप्लेस, दिस इज अचीव बाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएट विथ फोटो सिस्टम सेकंड, वाटर इज स्प्लिट इंटू 2H एंड इलेक्ट्रॉन, दिस क्रिएट ऑक्सीजन वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटो सिंथेसिस, दी इलेक्ट्रॉन नीड टू रिप्लेस रिमूव फ्रॉम फोटो सिस्टम फर्स्ट आर प्रोवाइडेड फोटो सिस्टम सेकंड, जिसमें 2H2O 4H आयन में और O2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो फोटो सिस्टम फर्स्ट का डिफरेंस बता सकते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंट है? बताइए, फोटो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंट है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में, फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी मैम, मैं पूछ के बताता हूँ कि 1 मिनट रुक जाए। अच्छा ठीक है, पूरा 1 मिनट रुक जाए क्या मैडम, यस सर। 1 मिनट।
मैम माही बोलते हैं पता नहीं, लेकिन दो क्लास में इतना पता चला, टू में अभी इतना नहीं पता। गांव का नाम पूछ लीजिएगा ना, भीमखल बंजरिया। हाँ भीमखल बंजरिया। हाँ, कर दीजिए, मैं घर पे हूँ, वो तो कॉल करते हैं मेरे पास, उन्हीं को दे दी। हाँ उन्हें, हाँ वो कैब से आते हैं, वो जो है नहीं वाली, क्या नाम है उनका, अरे वो लेके आते हैं, पता नहीं कौन सा, 8 नंबर। हाँ बोलोरो, बोलोरो 8 नंबर है। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, चलिए, अब इसमें देखिए को आपको ये क्लियर होना चाहिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, ये सब में क्या डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे बता दें, फिर आगे अभी हम पढ़ के भी बताते हैं, यहीं से हम बता रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे देखे हम लोग अभी यहाँ पे H2O रहता, ठीक है, H2O का स्प्लिट होता है कहाँ पे, फोटो सिस्टम सेकंड में, और ये कहाँ होता है, ल्यूमिनी ऑफ थैलोकॉइड में, मतलब ग्रेना के मतलब थैलोकॉइड में, समझ लीजिए एक तरह से होता है। और फिर ये क्या होगा, फोटो सिस्टम सेकंड भी यहीं पे होगा, फर्स्ट फोटो सिस्टम सेकंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इतने प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक, इससे क्वेश्चन बहुत सही हो जाएगा जो हम एक तरीका बता रहे हैं, एरोबिक। ठीक है, और जब ये चीज फोटो सिस्टम, देखिए यहाँ फोटो सिस्टम थैलोकॉइड में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं ये ग्रेनम का पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ग्रेनम, इसे क्या कहेंगे, ग्रेनम का पार्ट, और बेसिकली ये नॉन साइक्लिक होगा। अभी हम यही सन देखे, यहाँ हेडिंग है साइक्लिक नॉन साइक्लिक, पढ़ने जा रहे हैं, नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, नॉन साइक्लिक, तो अब देखा जाए फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, और ये क्या होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट का ये बाहर आ जाएगा इस वाले पार्ट में, यहाँ से मतलब कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जो ये वाले पार्ट से, ये वाले जो ए बल्ब टाइप का है, लेकिन अब यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड से स्टार्ट हुआ, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट भी आउटर लेयर में हुआ, और ये फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट में, इसे स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं ज्वाइंट को। ठीक है, अब देखा जाए जो हम अभी याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, फिगर आपको ध्यान होगा, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये देखा जाए तो एक एनारोबिक प्रोसेस है, एन एरोबिक प्रोसेस है, जैसे हमने इधर लिखा एरोबिक है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट एक तरह से एनारोबिक प्रोसेस है। और ये क्या होगा, अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात किया जाए तो ये साइक्लिक प्रोसेस होगा, साइक्लिक साइक्लिक, और ये कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा लैमली में, स्ट्रोमा लैमली।